तो देखा आपने, 9 जून माना जा रहा है कि पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी ले सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बैठक भी कल होने वाली है और हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज हुसैन साहब सीधे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शाहनवाज हुसैन जी आपका एबीपी न्यूज पर। और जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है, सरकार बनाने की कवायद चल रही है, 9 जून को माना जा रहा है कि पीएम पद की शपथ मोदी ले सकते हैं, लेकिन आज जब आप खुद भी वाजपेयी सरकार में क्योंकि मंत्री रहे हैं, गठबंधन की सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है या आप बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन इस बार चुनौती कितनी बड़ी है जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दिया है, एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। जब हम चुनाव में गए, हमारा जो प्री पोल एलआई था उसको स्पष्ट बहुमत मिला है। 1962 के बाद वो भारत के पहले नेता हैं जिनको लगातार 3 बार जनता का सपोर्ट मिला है, स्पष्ट आदेश जनादेश मिला है और कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे सब पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जी इस चुनाव में हमारे साथ जुड़े हैं। 14 में भी हमारे साथ थे, बीच में वो हमारे साथ नहीं थे। और नीतीश कुमार जी और हम लोग मिलकर बिहार में भी चुनाव लड़े हैं। रामविलास जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की जी। उसी तरह और कई पार्टियां हैं, शिवसेना है। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, बहुमत मिला है, लेकिन ये जो बहुमत है ये आप भी जानते हैं कि एनडीए को मिला है, बीजेपी को नहीं मिला। 2014-19 जैसे जो नतीजे हैं वो इस बार नहीं आए हैं, लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का, क्या पूरा यकीन है? क्योंकि अभी सरकार बनी नहीं है और बड़ी बड़ी मांग की जा रही है, तो लग रहा है आपको कि सरकार बनाने में कामयाब होंगे और कोई चुनौती आपके सामने नहीं होगी? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, हम जब गए थे हम कह रहे थे आपकी, फिर एक बार मोदी सरकार कह रहे थे, हो गया, हम कह रहे थे 400 के पार। अगर हम 399 भी आते तो कहा जाता एक सीट कम हो गई। स्पष्ट बहुमत आया है, 293 कोई छोटा बहुमत नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि लगातार तीसरी बार आना ये तो चमत्कारी नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, जनता का विश्वास है। ठीक है, हमारे जो आंकड़े हैं वो 400 नहीं पहुंचे, 350 नहीं पहुंचे, लेकिन 300 के आसपास तो हम पहुंच गए। और एनडीए की सरकार है। अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जब पहले पिछली बार जो मैंडेट आया था उसमें हमने देखा कि बीजेपी की सरकार ने, एनडीए ने बड़े बड़े फैसले लिए क्योंकि बहुमत था आपके पास, लेकिन इस बार कई बड़े फैसले हैं, वो किस तरीके से उसकी समीक्षा होगी? क्योंकि आपके जो साथी दल हैं, हो सकता है उनके बीच में कुछ आशंकाएं हो, सहमत बिना मतभेद हो सकता है, अब उन फैसलों पर आप किस तरीके से सहमति बना पाएंगे? देखिए, जितने भी हमने फैसले लिए थे अपने सहयोगियों के विश्वास में लेकर लिए थे। और प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जीत के बाद जब बीजेपी ऑफिस में देश को संबोधित किया तो कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश को आगे बढ़ाने के लिए कड़े फैसले वो लेते रहेंगे। तो फैसले देश के हित में लेंगे तो हमारे जो सहयोगी हैं वो भी देश के हित में राजनीति करते हैं। शाहनवाज जी, मैं अग्निपथ में अंडरलाइन कर दूं, मैं अग्निपथ योजना, यूसीसी जैसे फैसलों का मैं जिक्र यहां पर कर रही हूं, जिसको लेकर आप भी जानते हैं कि आपके जो सहयोगी दल हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं अभी आशंकाएं हैं। अग्निपथ जैसी योजना जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, क्या आपको नहीं लग रहा कि अब आपके जो अपने हैं, जो आपके सहयोगी दल हैं, वो ही कोई बड़ा चैलेंज आपके लिए बन सकते हैं? क्योंकि इन योजनाओं पर किस तरीके से सहमति बनेगी, कैसे समीक्षा होगी? देखिए, जितनी भी अभी बातें आ रही हैं सोर्स से आ रही हैं, अभी तक हमारे किसी सहयोगी दल ने कोई भी लिख कर या किसी बात के लिए या बातचीत में, जैसे सोर्स में चलता है कि उन्होंने इतने मंत्री मांगे, इतने विभाग मांगे, ये सब सोर्स की बात है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। जहाँ तक आपने अग्निपथ का कहा, तो अगर हमारे सहयोगी कोई विचार करें रखेंगे तो उनके विचार को एड्रेस किया जाएगा, बातचीत से हल निकाला जाएगा। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में लोक की बात करना, और जो हमारे सहयोगी हैं जब सहयोगियों के साथ सरकार चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 181 में सरकार 13 महीने की चलाई थी, वो भी हमारे कारण नहीं गया था। जयललिता जी हमसे गई थी, एक वोट से सरकार 13 महीने में चली गई थी, लेकिन दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी 182 जीत कर आए और पूरे 5 साल सरकार चली। आज तो हम
बड़ी संख्या में सीट जीत कर आए हैं, और हमारे जो अलायंस के जो पार्टनर हैं उनके लिए भी मोदी जी ने मेहनत की है, वो उन साथियों ने हम लोगों के लिए मेहनत की है। अगर बिहार में ही हम 30 सीट जीते हैं, सही है कि 10 सीटों का हमारा वहाँ नुकसान हुआ और यूपी में थोड़ा ज्यादा हुआ, तो जहाँ नुकसान भी हुआ है जिन राज्यों से सबसे ज्यादा छात्र जो है, युवा जो है, वो निकलकर फौज में जाते हैं, सेना में जाते हैं, उन राज्यों में आपको सीटों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, शाहनवाज जी आप ये भी मानेंगे। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि 2019 में हमने देखा बहुत बड़े बड़े फैसले ले दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन अभी 3.0 मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो ये 2019 की तरह ही इस बार बड़े फैसले लेना, ये क्या आपको लगता है कि बहुत आसान रहा होगी? देखिए, मोदी जी बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो फैसले बड़े लेते हैं, कड़े भी लेते हैं, और तब भी हमारे साथ सहयोगी थे। आप जब भी हमारी 14 में सरकार थी या 19 में सरकार थी, उस सरकार में हमारे कई सहयोगी दल के मंत्री थे, हमारे सहयोगी थे, सबको विश्वास में लेकर ही काम करते थे। अभी भी हमारे जो सहयोगी हैं उनका पूरा विश्वास है, लेकिन है क्या कि जितनी बीजेपी सीट अकेले जीती है उतने हमारे विरोधी मिला के एनडीए अलायंस के लोग जीते हैं। माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल कर ली। शाहनवाज जी, जो सीटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं जितनी सीटें बीजेपी की आई? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। शाहनवाज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सवालों के जवाब दिए। तो देखिए, अब मोदी सरकार 3.0 को बनाने की कवायद तेज है और लगातार पॉलिटिकल अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।